स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों। जो लोग Redmi Note 10 सीरीज को खरीदे हैं दोस्तों, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, जो इस वाले मोबाइल फ़ोन को खरीदे हैं दोस्तों, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, उनके लिए एक बुरी खबर है दोस्तों। जो लोग नहीं खरीदे हैं दोस्तों, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है और उनके लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। जो लोग खरीदे हैं उनके लिए तो बस आई एम सॉरी बाबू। जो लोग नहीं खरीदे हैं दोस्तों, रुको रुको ज़रा सब्र करो, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है दोस्तों। क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है, उसके अंदर आपको 5G वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस वाली वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, फाइनली Redmi Note 10 सीरीज 5G आने वाली है, कन्फर्म हो चुका है। इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max। लेकिन कुछ लीक्स ऐसा भी बता रहे हैं दोस्तों, Redmi Note 10 नहीं आएगा, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max ही हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ लीक्स भी बता रहे हैं, Redmi Note 10 देखने को मिलेगा और Redmi Note 10 Pro हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ लीक्स आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन कंफर्म तो, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लीक्स तो ये बता रहे हैं हमें 3 वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में हम बात करेंगे इसके अंदर हमें कौन सा 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 750 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो रिसेंटली दोस्तों Samsung के M42 में हमें देखने को मिला था, वही प्रोसेसर हमें Redmi Note 10 5G सीरीज में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये काफी तगड़ा सा प्रोसेसर है और ये 5G प्रोसेसर है और एक मिड रेंज के प्राइस में इस वाला प्रोसेसर काफी फिट बैठता है। और दोस्तों, इसी तरह हम बात करेंगे इसके अंदर हमें कौन से स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें जो Redmi Note 10 था दोस्तों, इसके अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल रही थी, 6.4 इंच की डिस्प्ले थी और इसी के साथ में 4 कैमरा का सेटअप था दोस्तों, और इसी के साथ में 4000 mAh की बैटरी थी और इसी के साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर वगैरह था दोस्तों। यही सेम हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है दोस्तों। और इसके अंदर सिर्फ हमें प्रोसेसर में अपग्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, इसके अंदर प्रोसेसर के अलावा कुछ भी नई चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है, कंफर्म है दोस्तों। और दोस्तों, इसी तरह हम बात करेंगे Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro में दोस्तों, जो हमें 6.6 इंच की डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल रही थी, 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट, AMOLED डिस्प्ले और इसी के साथ में 4 कैमरा का सेटअप और 5020mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर वगैरह हमें देखने को मिल रहा था। यही सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी हमें नया स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर में अपग्रेड किया जाएगा दोस्तों। आपको 4G के प्रोसेसर के बजाय 5G प्रोसेसर मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों Qualcomm Snapdragon 750 वाला प्रोसेसर मैं आपको बता चुका हूं, उस वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अंदर कुछ भी नया ऐड किया नहीं जाएगा दोस्तों। कुछ लीक्स ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, क्रॉस कटिंग वगैरह करेंगे, मतलब कैमरे के अंदर थोड़ा सा 64 मेगापिक्सल, जो 102 मेगापिक्सल का कैमरा था दोस्तों, उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह देखने को मिल सकता है और इसी के साथ में बैटरी वगैरह कम करेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। लेकिन एक कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें कुछ स्ट्रांग लीक्स ऐसा भी बताया जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ आपको इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर अपग्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्राइस हमें अंदाजा लगा सकते हैं। तो Redmi Note 10 था दोस्तों, जो इसकी प्राइस 12,000 के करीब इसकी प्राइस थी दोस्तों, इसकी प्राइस मतलब 2,000 से लेकर 3,000 की प्राइस बढ़ सकती है, 14,000 या फिर 13,000 या फिर 15,000 के रेंज में 5G मोबाइल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में जो Redmi Note 10 Pro था दोस्तों, उसके लिए प्राइस करीब 18,000 या 19,000 की प्राइस थी, करीब उसकी 20,000 प्राइस देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में जो Redmi Note 10 Pro Max था दोस्तों, उसकी प्राइस अबाउट 20,000 के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 5G प्रोसेसर है तो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ने ही वाली है। आपको जो रेंज में जो आपको 4G वेरिएंट देखने को मिल रहे थे, उस वाले रेंज में, उस वाले प्राइस में आपको 5G वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको उसके अंदर 3,000 से लेकर 4,000 की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में बहुत ही जल्दी Redmi Note 10 सीरीज 5G हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हमें कब तक देखने को मिलती है इसके बारे में बात करेंगे तो करीब मई के महीने में तो नहीं आएगी, ये कंफर्म हो दोस्तों, जून के आखिरी वीक में या फिर थर्ड वीक में हमें Redmi Note 10 5G सीरीज देखने को मिल सकती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये इंडिया में 5G सीरीज कंफर्म है दोस्तों, इंडिया में ज़रूर आएगी। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, क्या ये इंडिया में कब तक आएगा, क्या प्राइस में आपको देखने को मिलता है, क्या आप ऑलरेडी Redmi Note 10
4G सीरीज को खरीदे हैं, इन सारी चीज़ों को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये इंडिया में कब तक आएगा, आने के बाद मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा दोस्तों। इसीलिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए दोस्तों, और इसी तरह के आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वाली वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।